you. Now we are going to start our first lecture on chapter Mining Geology, Diploma First Year Mining Geology. So I am Rahul Kumar and I will be delivering you a lecture starting from the basics of geology. What is geology? Geology, basically the word geology. The word geo means earth and the word logos, L-O-G-U-S, means study of science. सबसे पहले जियोलॉजी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन एक भाषा है, तो जियोलॉजी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जियो का मतलब अर्थ होता है और लोगस का मतलब स्टडी ऑफ साइंस होता है. तो जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ साइंस. स्टडी ऑफ अर्थ साइंस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टडी ऑफ अर्थ साइंस. तो जियोलॉजी इज द साइंस ऑफ अर्थ और स्टडी ऑफ अर्थ साइंस. सिंपल क्लियर डेफिनेशन, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ और स्टडी ऑफ अर्थ साइंस. इट डील्स विद सरफेस फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन वोल्केनोस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो जियोलॉजी में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे भूगोल, पूरे जियो अर्थ के बारे में सारा स्टडी करेंगे, वो सरफेस पे हो, उसके इंटीरियर में हो, उसके एरप्शंस में हो, जो भी क्रिएशंस होता है अर्थ पे, या तो उसके सरफेस पे हो या उसके अंदर हो, इंटीरियर हो, तो वो सारा चीज हम लोग जियोलॉजी में पढ़ेंगे. सबसे पहले इसका ब्रांचेस क्या क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस एज वी नो दैट द अर्थ इज अ ह्यूज बिग planet and it will be not under a single topic geology but it has different branches. बहुत सारा branches है उसके अंदर, branches मतलब different different शाखा है, ताकि हम लोग particularly उसमें deep study कर सकें. तो geology अपने में बहुत बड़ा chapter है, इसीलिए उसके branches को अगर particularly किसी को volcano के बारे में पढ़ना है, या किसी को structure के बारे में पढ़ना है, या किसी को minerals के बारे में पढ़ना है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को अडॉप्ट करके उसमें स्टडी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट टोटल 9 ब्रांचेस है, 9 ब्रांचेस में डिफरेंट डिफरेंट स्टडी होता है और उसमें हम डीप स्टडी कर सकते हैं. पर्टिकुलरली स्पेसिफिक स्टडी अगर करना चाहे तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी से अडॉप्ट कर सकते हैं. पहला है हमारा फिजिकल जियोलॉजी. फिजिकल जियोलॉजी बेसिकली सरफेस फीचर्स पे है, सरफेस फीचर्स पे जो जो इरप्शन होता है, सरफेस फीचर्स में जो जो विंड का ब्लो या फिर सरफेस पे जो क्रिएशन होता है, वो डील्स विद द सरफेस ऑफ द अर्थ. एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, एज द नेम सजेस्ट स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल पे मेनली फोकस किया जाता है, कि जो अर्थ है या फिर जो उसके रॉक्स है, स्ट्रेटास है, उनके स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस पर क्या डिपेंडेंट होगा, ये सारा चीज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आता है. मिनरोलॉजी उसी तरह है कि मिनरल्स पे हम मेनली फोकस करेंगे, कि मिनरल्स कैसे बनता है, एक मिनरल दूसरे मिनरल से कैसे बनता है, फिर से मिनरल का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारा चीज मिनरोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे. कौन कौन सा मिनरल्स कहाँ पाया जाता है, तो आफ्टर डीप स्टडी ऑफ मिनरोलॉजी वी विल गेट टू नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सच मिनरल्स. नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलॉजी. पेट्रोलॉजी बेसिकली वी नो दैट there are three different types of rock, different types of rocks. We know that there are three different types of rock. The first one is igneous rocks, second one metamorphic rock, and third one is sedimentary rock. ठीक है, तो तीन तरह के रॉक्स होते हैं, हम लोगों को पता है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री. तो इस पेट्रोलॉजी में हम लोग बेसिकली रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, रॉक्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, या फिर इग्नियस बनता है कैसे बनता है, ये सारा स्टडी हम लोग पेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे.
अगला हमारा हिस्टोरिकल जियोलॉजी। हिस्टोरिकल जियोलॉजी एज द नेम सजेस्ट इट विल बी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जियोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ जियोलॉजी मीन्स द टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड कितने समय में, कितना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा होगा इस रॉक को बनने में, या फिर कितना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा होगा मेटामॉर्फिक को बनने में, सेडिमेंट्री को, इग्नियस को। तो ये सारी चीज हिस्ट्री अबाउट द जियोलॉजी ऑफ अर्थ, हिस्ट्री अबाउट द साइंस ऑफ अर्थ वी विल स्टडी अबाउट इन हिस्टोरिकल जियोलॉजी। हिस्ट्री बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ अर्थ इन हिस्टोरिकल जियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी बेसिकली इट विल बी डीलिंग अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि हमको पता है कि डिफरेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स को क्या हुआ था, कि डिफरेंट जो हमारा वुड था, जो कोल का फॉर्मेशन हम लोग देखे थे कि कोल कैसे स्टेज वाइज में फॉर्म होता है। स्टेज वाइज में फॉर्म होता है, पहले क्या था, वुड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, आफ्टर दैट एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कोल का। फॉर्मेशन ऑफ कोल का ये स्टेज है। वुड से पीट में कन्वर्ट होता है, पीट से लिग्नाइट में, लिग्नाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट। यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज ऑफ कोल, परसेंटेज ऑफ कोल इधर से बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम लोग डीप जाएंगे वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा और यहां परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ एस कंटेंट नीचे से ऊपर बढ़ता रहेगा। सबसे ज्यादा एस होगा हमारा वुड में, पीट में, फिर लिग्नाइट में, बिटुमिनस में, सबसे कम एंथ्रासाइट में एस होगा। उसी तरह से सबसे ज्यादा परसेंटेज कोल का, कार्बन का, यानी कि कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा हमको एंथ्रासाइट मिलेगा, उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, वुड। ठीक है, तो इस स्टेज के बारे में आप लोगों को यही पता है कि जो हमारा एंथ्रासाइट जो बेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल या फिर परसेंटेज हाईएस्ट परसेंटेज कंटेंट ऑफ कार्बन हमको तभी मिला जब हमारा वुड जो लकड़ी था वो सड़ा गला, कार्बनिफिकेशन, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोलिफिकेशन प्रोसेस हुआ, डिफरेंट प्रोसेसेस हुआ, टाइम पीरियड के साथ वो कोल में चेंज हो गया। तो यही टाइम पीरियड हमारा वुड फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम वुड टू एंथ्रासाइट, दैट वी विल बी डीलिंग अबाउट इन पैलियोंटोलॉजी और स्टडी अबाउट डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, एज यू नो दैट डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल इवन इज अ फॉसिल फ्यूल। तो इसमें हम लोग डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे हमारा पैलियोंटोलॉजी में। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिकल जियोलॉजी। इकोनॉमिकल जियोलॉजी इकोनॉमिकल जियोलॉजी मतलब सजेस्ट यही करता है क्या, इकोनॉमिकल मतलब एज यू नो दैट इफ वी आर डूइंग बिजनेस देन वी मस्ट हैव सम प्रॉफिट, देन ओनली वी कैन से दैट बिजनेस इज इकोनॉमिकल। सो इकोनॉमिकल जियोलॉजी मींस दैट इकोनॉमिकल मतलब वैसे मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे हमको कुछ बेनिफिट हो सके। एक केस बताते हैं, अगर हमारा यहाँ पे ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है और हमको डिफरेंट मिनरल्स मिला है। यहाँ पे हमको गोल्ड मिला है और यहाँ पे हमको सिल्वर मिला है। यहाँ पर रख देते हैं, ये हमारा है 1500 मीटर। ठीक है, तो सरफेस से 1500 मीटर पे एक केस
मिला है और दूसरे केस में हमको एल्यूमिनियम का बोर मिला है। तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, किसको माइनिंग करेंगे, ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ऑब्वियसली गोल्ड को ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट रेट ज्यादा है, इसका इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। सो इट डिपेंड्स, इकोनॉमिकल जियोलॉजी बस यही बताता है कि मार्केट रेट, इट डील्स विद जियोलॉजी एज वेल एज द मार्केट रेट्स। द मार्केट रेट्स जियोलॉजी इकोनॉमिकल कैसा किस मिनरल का बढ़ रहा है घट रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट मार्केट वैल्यूज, वो सारा चीज को डील करके इकोनॉमिकल जियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं मार्केट रेट्स। तो बेसिकली नो डाउट हम लोग गोल्ड को माइनिंग करेंगे, गोल्ड को माइनिंग करने में हमको ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, बेनिफिटेड होगा। वही अगर हम एल्यूमिनियम का माइनिंग करते हैं तो जितना ज्यादा कॉस्ट हमको पड़ेगा माइनिंग करने में उससे कम बेनिफिट हमको होगा उसको सेल करने में, ठीक है। तो ये सारा चीज स्टडी ऑफ मार्केट रेट्स, मार्केट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन इकोनॉमिकल जियोलॉजी। अगला हमारा इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। नाउ वी नो दैट वी आर जस्ट माइनिंग इंजीनियर एंड वी आर गोइंग टू बी अ माइनिंग इंजीनियर एंड वी नीड टू स्टडी माइनिंग जियोलॉजी, मीन्स सेपरेटली जियोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग को माइनिंग वाला जियोलॉजी पढ़ना है। जहाँ तक माइनिंग में जरूरत पड़े वहाँ तक हम लोग को जियोलॉजी पढ़ना है। बट इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी कहने का मतलब ये है कि अगर इंजीनियरिंग जियोलॉजी में हम लोग भूगोल अर्थ के बारे में सारा चीज स्टडी करेंगे। बेसिकली इंजीनियरिंग जियोलॉजी डील्स विद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स एंड टनल्स इन डिफरेंट एरियाज इन हिली माउंटेन्स। सो इट डील्स मोस्टली फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग जियोलॉजी सिविल इंजीनियर्स को भी पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरफेस लैंड कैसा है, सरफेस फीचर्स कैसा है, जहाँ पे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, रोड कंस्ट्रक्ट करना है, उसका स्ट्रेटा का अरेंजमेंट्स कैसा है, स्ट्रेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ होल्डिंग है, फॉल्टिंग है, सरफेस फीचर्स कहाँ है, ये सारा चीज अगर इंजीनियरिंग जियोलॉजी एज ए सिविल इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग जियोलॉजी नहीं जाना होगा तो उसको कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी हिली एरियाज में हमारा कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, अगर वहाँ पे हमारा कुछ अर्थक्वेक का चांसेस ज्यादा है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस, मेजर्स, स्टेप्स लेना पड़ेगा हमको उससे सेव होने के लिए, ये सारा चीज तभी सिविल इंजीनियर डील कर पाएगा जब उसको स्टडी होगा अर्थ साइंस के बारे में। अर्थ साइंस के बारे में उसको अगर जानकारी होगा तभी वो ये सारी चीज के बारे में डील कर पाएगा। प्लेट्यूज के बारे में कैसा प्लेन लैंड बनाना, प्लेट्यू लैंड पे कैसे कंस्ट्रक्ट करना, ये सारा चीज इंजीनियरिंग जियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली द कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ डिफरेंट रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, टनल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वी आर गोइंग टू स्टडी इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इंजीनियरिंग जियोलॉजी हो गया। अब माइनिंग जियोलॉजी क्या होता है? माइनिंग जियोलॉजी माइनिंग के स्टूडेंट के लिए बेसिकली है। माइनिंग जियोलॉजी में हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज वेल एज द सरफेस फीचर्स ऑफ अर्थ पढ़ने वाले हैं, जो कि बेसिकली डिफरेंट क्रिएचर्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, ये सारा चीज हम लोग माइनिंग जियोलॉजी में पढ़ेंगे। जहाँ तक माइनिंग इंजीनियर्स को जरूरत पड़े वहाँ तक हम लोग माइनिंग जियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। माइनिंग में जियोलॉजी का क्या जरूरत है? A question can be asked that why a mining engineer is required to study geology. Simple answer is that we are going to work in a deep underground, and underground is basically the interior of the earth. So without knowing the structure and different interiors of the earth, we are not going to deal with any mining equipment or any mining things. ठीक है। सबसे पहले हम लोग को माइनिंग जियोलॉजी इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझ पाए, स्ट्रेटा का फॉर्मेशन, ओर का फॉर्मेशन, ये सारा चीज हम लोग समझ पाए, इसीलिए माइनिंग जियोलॉजी हम लोग को पढ़ाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सब ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। सब ब्रांचेस देखते हैं, सब ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? अभी तो हम लोग ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी देखे। ब्रांचेस मतलब मेन ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस हमारा टोटल 9 था। अब सब ब्रांचेस मतलब उसके कैटेगरी भी होते हैं, कुछ कुछ
हमारा सब ब्रांचेस ये बोलता है इट इज आइदर कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइंस रिलेटेड विद इट्स पेरेंट साइंस। तो सब ब्रांचेस का मतलब ये है कि वो दो साइंस से मिला हुआ है, दो ब्रांचेस से मिला हुआ है और जो पेरेंट है उससे रिलेटेड है, जो पेरेंट साइंस है उससे रिलेटेड है। तो एज वी नो दैट देयर आर थ्री सब ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री एंड जियोमॉर्फोलॉजी। पहला हमारा जियोफिजिक्स। तो जियोफिजिक्स इज बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ physics and geology, geophysics as the name is clear, नाम से ही पता चलता है कि geology और physics का combination है। तो वही it is a combination of physics and geology and it deals with different electrical property, magnetic property and seismic study of earth। जियोफिजिक्स बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजी एंड फिजिक्स एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड द सिस्मिक स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। जियोलॉजी और फिजिक्स कॉम्बिनेशन है और फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिक पढ़ते हैं और सिस्मिक स्टडी पढ़ते हैं। तो वही सारा चीज हमको अर्थ से रिलेटेड कर देना है। हम लोग अर्थ में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या क्या कैसे कैसे होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ता है घटता है, कैसे नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में रिएक्ट करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का रेंज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिसाइड होता है, ये सारा चीज हम लोग जियो फिजिक्स में पढ़ेंगे और उसका सिस्मिक स्टडी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जियो फिजिक्स। अब जियो केमिस्ट्री क्या होता है, जियो केमिस्ट्री इट इज और सेम इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। सिंपल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी एंड इट डील्स विथ different chemical properties combination of chemistry and geology and it deals with the different chemical properties of earth, यानी कि mineral और ore। बहुत सारा chemical property इस mineral के साथ react करता, वो mineral के साथ react करता, वो सारा चीज हम लोग chemical geology मतलब geochemistry में पढ़ेंगे। ठीक है, geochemistry में हम लोग different chemical reactions related with the minerals and related with the earth हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी इट बेसिकली डील्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, वैलीज प्लेट्यू एक्सेट्रा। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन जो भी अर्थ का क्रिएशन होता है, फॉर्मेशन होता है, वो सारे चीज हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉर्मेशन क्या क्या फॉर्म होता है, माउंटेन्स फॉर्म होता है, वैली फॉर्म होता है, प्लेट्यूज फॉर्म होता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सर्फेस फीचर जो कि
फॉर्मेशन होता है वो सारे स्टडी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। तो ये था हमारा ब्रांच, सब ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। अब जियोलॉजी के सब ब्रांचेस जानने के बाद हम लोग देखेंगे जियोलॉजिस्ट का क्या क्या स्कोप है। सो आवर टॉपिक इज स्कोप ऑफ जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का स्कोप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स है। एक एक करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स जान लेते हैं क्या क्या स्कोप्स है। तो पहला नाम हमारा हो गया इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो जियोलॉजी। In the field of chemist and drugs, three हैं। In the field of fountain the formation of fountain या स्प्रिंग वाटर। अगला इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। First one is in the field of mining engineering। तो different different scopes हमारे जियोलॉजी का different different fields में दिया हुआ है, एक करके सारे स्कोप्स को जानते हैं। पहला हमारा इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोजियोलॉजी। हाइड्रोजियोलॉजी में जियोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस है। जियोलॉजी का इसको हाइड्रोजियोलॉजी में इम्पोर्टेंस ये है कि हाइड्रोजियोलॉजी एज द नेम सजेस्ट इट इज द स्टडी ऑफ वाटर बॉड, इट इज द स्टडी ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल डिफरेंट वाटर टेबल्स आर फाउंड एट डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट डेप्थ्स। तो जब तक हमको जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा, जब तक जियोलॉजी अर्थ साइंस के बारे में पता नहीं रहेगा, तब तक हम वाटर टेबल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वाटर टेबल हमारा कितने डेप्थ पे है, कहाँ पे है, अगर वहाँ पे उस जगह पे कितना ये मिनरल कंटेंट करेगा तो वाटर का क्या उसमें चेंजेस आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये सारा चीज हम लोग हाइड्रोजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अगला हमारा द फील्ड ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स। तो केमिस्ट और ड्रग्स में जियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है? You must ask the question that what is the importance of chemist in chemist and druggist, the importance of geology. So no doubt the those things, the chemicals which are used by the chemist and to make the drugs are not other from the surface of earth, that is the different minerals. बहुत सारा दवा बनता है जो इसमें बहुत तरह का minerals मिलाया जाता है, जैसे proteins, calcium, vitamins रखता है। तो वो सारा दवा, वो सारा minerals हमको कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलता है। तो इस केमिस्ट और ड्रगिस्ट के इम्पोर्टेंस में हम लोग जियोलॉजी का इम्पोर्टेंस को पता होगा। जियोलॉजी का इम्पोर्टेंस इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि अगर जियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग डिफरेंट मिनरल्स पढ़ेंगे। तो जब तक हमको कोई भी सारे मिनरल्स का कॉन्सेप्ट में नहीं पता चलेगा, सारे मिनरल्स का प्रॉपर्टीज के बारे में अगर जानकारी नहीं होगा, तो कौन सा ड्रग्स में कितना ज़्यादा प्रोटीन मिलाना है, कौन से ड्रग्स में कितना ज़्यादा विटामिन होना चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए मिनरल्स को स्टडी करने के लिए हम लोग को जियोलॉजी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है फील्ड ऑफ केमिस्ट और ड्रग्स। इन द फॉर्मेशन ऑफ फाउंटेन स्प्रिंग वाटर, जो भी स्प्रिंग बनता है, स्प्रिंग मतलब झरना कह सकते हैं। तो झरना कहाँ से बनता है? बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ माउंटेन से जो वाटरफॉल होता है उसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो उसका भी अपना एक फॉर्मेशन होगा। वो जो रॉक्स बना, जो हिली एरिया, जो माउंटेन बना, वो माउंटेन बना, उसका भी फॉर्मेशन में टाइम लगा होगा। इनिशियल स्टेज में तो वो माउंटेन नहीं हुआ होगा, वो क्या हुआ होगा, उसमें
में भी मेटामॉर्फिक रॉक होगा या सेडिमेंट्री रॉक होगा या फिर इग्नियस रॉक भी हो सकता है, तो उसका फॉर्मेशन पे भी ध्यान देना होगा। फिर से वो कैसे बना, डिपोजिशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ या फिर अदर चीज हुआ जिसके कारण उसका फॉर्मेशन हुआ, तो ये सारा चीज हमको जानना होगा, तभी हम उसका फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं, फाउंटेन का फॉर्मेशन के बारे में। तो ये सारा चीज हम लोग स्टडी करेंगे फाउंटेन। अगर जब तक हमको पता नहीं चलेगा जियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये रॉक्स कैसे बना, तब तक हम ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि फाउंटेन जो फॉल हो रहा है उस रॉक से, उस माउंटेन से, वो कैसे बना। तो इसीलिए जियोलॉजी का इंपॉर्टेंस यहीं पे आता है कि डिफरेंट रॉक्स का फॉर्मेशन, डिफरेंट माउंटेन्स का फॉर्मेशन, डिफरेंट स्ट्रीम स्प्रिंग्स फॉर्म का फॉर्मेशन, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला हमारा है द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में जियोलॉजी का क्या स्कोप है? बेसिकली सिविल इंजीनियर्स जो सिविल इंजीनियर, तो उनको क्या सरफेस से मतलब होता है, उनकी सतह। आप जब भी देखते होंगे कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है तो उसका पहले क्या नींव रखा जाता है। नींव के लिए हमको पता होना चाहिए कि सरफेस जो उसका इमीडिएट रॉक है या फिर इमीडिएट स्ट्रेटा है वो किस मटेरियल का है, हार्ड है सॉफ्ट है, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ता है, हार्ड मटेरियल डालना या फिर सॉफ्ट मटेरियल डालना। तो विदाउट नोइंग, विदाउट गेटिंग एन आइडिया अबाउट द जियोलॉजिस्ट, व्हाट द जियोलॉजिस्ट विल से अबाउट द डिफरेंट रॉक्स, अबाउट द डिफरेंट सरफेस इन विच द सिविल इंजीनियर इज टू बी वर्क, तो तब तक सिविल इंजीनियर को कोई आइडिया नहीं हो पाएगा जब तक कि जियोलॉजिस्ट उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि यहाँ पे आपका फोल्ड प्रेजेंट है या फिर यहाँ का लैंड थोड़ा स्लोपी है या फिर यहाँ का लैंड मेरा हिली है, माउंटेनियस है, अंडुलेटिंग है, प्लेट्यू है, प्लेन है। तो ये सारा चीज डिटेल्स हमको कौन प्रोवाइड करेगा? जियोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेगा। तो विदाउट हैविंग एन आइडिया अबाउट द सर्फेस सिविल इंजीनियर कैन नॉट वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ जियोलॉजिस्ट। अगला इन द फील्ड ऑफ माइनिंग इंजीनियर, एज वी ऑलरेडी नो दैट इन द फर्स्ट सेमेस्टर और इन द फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वी गट अबाउट द स्टडी ऑफ माइनिंग जियोलॉजी। तो जियोलॉजी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग को जियोलॉजी पहले क्लास में ही हम बताया था कि जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ साइंस, तो अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली नो डाउट हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, तो मिनरल से कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, हम लोग मिनरल निकाल रहे हैं, तो मिनरल ऑब्वियसली अर्थ में ही रहता है। तो जब तक अर्थ का कॉन्सेप्ट अगर हमको नहीं पता चलेगा तब तक हम माइनिंग इंजीनियर नहीं बन सकते, ऑब्वियसली बन सकते हैं, बट वी हैव टू टेक द आइडिया ऑफ जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट से आइडिया हमको लेना पड़ेगा कि यहाँ पे इस रॉक में क्या प्रॉपर्टीज है, जियोलॉजिस्ट उसको स्टडी करेगा, सर्वे करेगा, तब बताएगा कि यहाँ का रॉक हार्ड है, यहाँ का रॉक सॉफ्ट है, यहाँ पे आपको इस तरह से एडवांस करना पड़ेगा, इस तरह से रिट्रीट करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज माइनिंग इंजीनियर, एज अ माइनिंग इंजीनियर मस्ट ऑल्सो गेट टू नो अबाउट स्टडी ऑफ द जियोलॉजी। हम लोग एज ऑफ द अर्थ देखते हैं, हमारे पृथ्वी का कितना उम्र है या फिर हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसका एज कितना है, ठीक है। तो बेसिकली एज तो अभी तक डिटरमाइंड, एग्जैक्ट एज ऑफ द अर्थ इज नॉट येट डिटरमाइंड टू नाउ, ठीक है। बट देन ऑल्सो डिफरेंट रिसर्चर्स, डिफरेंट साइंटिस्ट हैव गिवन देयर व्यूज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिनोमेना रिलेटिंग विद वॉट एवर रिसर्च दे हैड डन, दैट रिसर्च हैज बीन फाउंड टू अ कंक्लूजन बाई टेकिंग सम स्पेसिफिक एजेंट्स। नाउ दोज एजेंट्स वी विल डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक, ओके। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपना अपना नाम दिया है, अपना अपना एज, अर्थ के एज बताने का तात्पर्य दिया है कि किसको साक्ष्य मान के वो अर्थ का एज बता रहे हैं। तो यहाँ पे तो पहला लिखा हुआ है फॉर्म फ्रॉम व्हाट वाज़ अवर मेल्टिंग स्टेट। तो ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ हमारा पृथ्वी बना है वो हॉट गैसेज या फिर मोल्टेन गैसेज से बना हुआ है, ठीक है। अभी तक पृथ्वी भी यही माना जाता है कि जो अर्थ बना हुआ है वो हॉट गैसेज या फिर मोल्टेन गैसेज से बना हुआ है। और इसमें दो प्रोसेस टू डिस्क्राइब अबाउट द एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ को डिस्क्राइब करने के लिए दो मेथड या दो प्रोसेस कह सकते हैं अभी तक दिया गया है। पहला हमारा है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड में हम लोग
एज वी नो दैट जो अर्थ है हमारा, अर्थ में डिफरेंट क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ इसके बाद भी हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये जान लेते कि ये हमारा सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग अर्थ जाते हैं, अर्थ के कोर तक जाते हैं, वैसे वैसे क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जियोथर्मल ग्रेडियंट बढ़ता है। उसके अलावा जो भी हमको मिनरल्स मिलता है वो अर्थ में ही मिलता है, अर्थ के डेप्थ में ही मिलता है या फिर सरफेस में मिलता है एज अ आउटक्रॉप, ठीक है। तो मिनरल्स यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में मिनरल्स को साक्ष्य दिया गया है, उसका रेडियो एक्टिव डीके, क्या लिखा हुआ है, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है, वैसा एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है उसके डीके का टाइम पीरियड को निकाल करके अर्थ का एज कैलकुलेट किया गया है। ऐसा हमारा डायरेक्ट मेथड में किया गया है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या किया गया है, सिंपल है, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वैसा एलिमेंट, वैसा मिनरल्स जो कि रेडियो एक्टिव है उसके एज को डिटरमाइन करके हम लोग अर्थ का एज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करके अर्थ का हम लोग टोटल एज कैलकुलेट कर रहे हैं। हाफ लाइफ पीरियड इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके, एज यू नो दैट जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उसका हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करके अर्थ का एज बता रहे हैं, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या करता है, तो इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सिस्टम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। पहला क्या है, इन दिस वेरियस सिस्टम्स आर यूज्ड व्हिच आर नोन एज क्लॉक्स। तो इसमें बहुत सारा सिस्टम, जैसे कि हम लोग बताए कि बहुत सारा सिस्टम इन्वॉल्व है, सब अपना अपना साइंटिस्ट अपना अपना स्पेसिफिक पॉइंट अपना रेफरेंस लिया है, उसके हिसाब से अर्थ का एज कैलकुलेट किया, जिसको हम लोग क्लॉक्स बोलते हैं, क्लॉक्स, घड़ी, क्लॉक्स। पहला हमारा वर्क क्लॉक, वर्क क्लॉक क्या बोलता है, सिस्टम ऑफ सेंडिमेंटेशन डिपोजिट इन ग्लेशियर रीजन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिपोजिट, जो सेंडिमेंटेशन डिपोजिट होता है ग्लेशियर रीजन में, उसको डिपोजिशन का टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद अर्थ का एज डिटरमाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, कलर और साइज ऑफ मटेरियल इज स्टडीड, कलर भी चेंज होता है और साइज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का साइज बढ़ता है घटता है उसके हिसाब से हम लोग अर्थ का एज ड्राइंग करते हैं वर्क क्लॉक में, ठीक है। क्या कहता है, सिस्टम ऑफ सेंडिमेंटेशन डिपोजिट इन ग्लेशियर रीजन, ग्लेशियर रीजन में जो सेंडिमेंटेशन का डिपोजिट होता है उस डिपोजिट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं और क्या देखते हैं, उसका कलर में और उसके साइज में चेंजेस आता है, वो चीज को नोट करके उसका टाइम पीरियड, टोटल बनने का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एज का अर्थ का एज डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है हमारा सेंडिमेंट्री क्लॉक, सेंडिमेंट्री क्लॉक में रेट ऑफ डिपोजिशन आता है, रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेंडिमेंटेशन इज स्टडी, रेट ऑफ डिपोजिशन मतलब किस रेट से वो डिपोजिट हो रहा है, जो भी रेसिड्यू या फिर जो भी मटेरियल डिपोजिट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर जगह, वो किस रेट से डिपोजिट हो रहा, उसी रेट से अगर हम अगर मान लेते कोई एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे या फिर कोई एक रेफरेंस लेवल मान लेंगे, उसके बाद उस रेफरेंस लेवल से हम कुछ 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स तक उसका हाइट देखेंगे, किस रेट से डिपोजिट हुआ हमारा, कितना बढ़ा उसका हाइट, उस रेट से हम लोग अर्थ का एज या फिर अर्थ का डायमीटर देख करके उस तरीके से हम लोग अर्थ का एज डिसाइड किए हैं सेंटीमेट्रिक क्लॉक में, ठीक है। अगला हमारा सैलिनिटी क्लॉक, सैलिनिटी क्लॉक मतलब नाम देखिए सेलाइन वाटर जैसा, मतलब नमकीन वाटर जैसा लग रहा, तो इसमें हम लोग करते हैं रेट ऑफ सैलिनिटी इज कैलकुलेटेड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन, इरोजन इरोड होता है या फिर डिपोजिट होता है, तो उससे क्या होता है कि जो सैलिनिटी होता है वो कम होता है बढ़ता है एज डिपेंड ऑन द मटेरियल, जो मटेरियल में प्रेजेंट होगा तो उसका सैलिनिटी या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से रेट ऑफ सैलिनिटी, अगर सैलिनिटी बढ़ रहा है तो वो किस रेट से बढ़ रहा है, अभी सैलिनिटी क्या था, फिर 100 ईयर्स टाइम उसका सैलिनिटी क्या हुआ, तो उस रेट को कैलकुलेट करके हम लोग पर्टिकुलरली एज ऑफ द अर्थ डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड का डिफरेंट प्रोसेस था। अब
एज ऑफ द अर्थ डिटरमाइन करने के बाद हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगला है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ पहले अर्थ का डिजाइन बना लेते हैं हम, तो अर्थ को हमारा कुछ किस तरीके से दिखता है, ये क्या है इक्वेटर, ठीक है। अर्थ का सबसे पहले स्टेप क्या होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। अर्थ का जो स्टेप होता है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है, मतलब ये कुछ चपटा होता है, ऊपर से अगर दबा देंगे इक्वेटर, इधर पोल से हमारा नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, ठीक है। तो इक्वेटर तरफ अर्थ का जो रेडियस होता है वो हल्का ज्यादा होता है, इसका रेडियस होता है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर होता है इसका रेडियस, ऑब्लेट स्फेरॉइड इसका शेप होता है। तो अर्थ का सरफेस के बारे में हम लोग जान लिए, अर्थ का मतलब डिफरेंट सरफेस पे जो जो शेप्स होता था, डिफरेंट माउंटेन होता था। अभी हम लोग क्या करना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या अंदर जाना। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जानने के लिए सबसे पहले हम लोग अर्थ को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है हमारा क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर, ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर, यह हो गया हमारा क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। क्रस्ट सरफेस के बाद क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। अब ये तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो अब जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होगा, मेंटल और कोर के बीच में क्या होगा, तो एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, इट इज द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू सेगमेंट्स। डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है, लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू सेगमेंट्स, दो सेगमेंट के बीच के लाइन ऑफ सेपरेशन को हम लोग डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। दो सेगमेंट के बीच में, किसी दो सेगमेंट के बीच के लाइन ऑफ सेपरेशन को हम लोग डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या है, ये जो लाइन है आपका डिस्कंटिन्यूटी है,
मेंटल और बोन के बीच में जो सेपरेशन लाइन है वो डिसकंटिन्यूटी है। तो अब यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट डिसकंटिन्यूटी होगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, फिर मेंटल और बोन के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, तो डिफरेंट डिफरेंट टू सेगमेंट्स के बीच में डिसकंटिन्यूटी ऑकर होता है। तो इसका सबका अपना अपना स्पेसिफिक नाम होगा। तो जो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करता है उस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे ये लाइन ऑफ सेपरेशन क्या कहलाता है, मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और मेंटल और कोर के बीच का लाइन ऑफ सेपरेशन को हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तो क्रस्ट मेंटल कोर के बीच में दो ही लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है, एक का हो गया मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी और दूसरा था गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सिंपल डेफिनेशन, मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन सेपरेटिंग बिटवीन इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। उसी तरह गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, इट इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन मेंटल एंड कोर, इट इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन मेंटल एंड कोर, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, प्राइमरी डिसकंटिन्यूटी हो गया। मोरोविसिस और गुटेनबर्ग हमारा प्राइमरी डिसकंटिन्यूटी होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्रस्ट के बीच में अगर कोई लेयर होगा तो उसके बीच का लाइन ऑफ सेपरेशन हो सकता है, मेंटल के बीच में लाइन ऑफ सेपरेशन हो सकता है, या फिर कोर के बीच में लाइन ऑफ सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो क्रस्ट के बीच में लाइन ऑफ सेपरेशन होता है क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट को सबसे पहले क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट को सियाल बोलते हैं और दूसरे वाले पार्ट को सीमा बोलते हैं। क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सियाल और सीमा, ठीक है। सियाल का मतलब क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। उसी तरह सीमा का मतलब क्या हुआ कि इसमें किसका कॉम्बिनेशन है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। टोटल क्रस्ट का थिकनेस 33 to 35 किलोमीटर होता है, सीआर का थिकनेस होता है 10 to 11 किलोमीटर और बाकी इसका सीमा का थिकनेस होता है। टोटल थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज 30 to 35 किलोमीटर, थिकनेस ऑफ सियाल इज 10 to 11 किलोमीटर एंड थिकनेस ऑफ सीमा इज यू कैन से 20 to 25 किलोमीटर, ठीक है। तो क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सियाल और सीमा। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसका मतलब यह है परसेंटेज सियाल में परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम विल बी More than the other constitute. मतलब सीआर में परसेंटेज हमको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा एज कंपेयर टू अदर मिनरल, परसेंटेज ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा कि सीआर में सिर्फ हमको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ही मिलेगा, बट सीआर में हमको परसेंटेज सीआर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का ज्यादा मिलेगा। उसी तरह सीमा में हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। तो इस दोनों के बीच का डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। सियाल और सीमा के बीच का डिसकंटिन्यूटी को कॉनराड
डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी क्या होगा, क्या हो गया हमारा, ये दोनों प्राइमरी था तो ये हो गया सेकेंडरी डिस्कंटिन्यूटी। कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी हमारा सेकेंडरी डिस्कंटिन्यूटी हो गया। अब उसके बाद मेंटर, मेंटर में क्या है कि मेंटर में भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा उसका पार्ट होगा, मेंटल को भी डिवाइड किया गया होगा, उसी तरह कोर को भी डिवाइड किया गया होगा, तो उसका अपना अपना सबका ये उसका अपना अपना सबका डिस्कशन। कोर को हमारा उसी तरह कोर को डिवाइड किया गया, आउटर कोर इनर कोर हो, आउटर कोर मिडिल कोर और इनर कोर, ये हमारा कोर है। इसी तरह कोर को डिवाइड किया गया आउटर कोर में मिडिल कोर में और इनर कोर में। तो क्रस्ट का या फिर मेंटल कोर मेंटल को भी डिवाइड किया गया, ये हम लोग देखेंगे मेंटल को एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि मेंटल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया, रैपिड डिस्कंटिन्यूटी या फिर ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी ग्रेविटी, तो वो सारा चीज एक फिगर बना करके हम लोग देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारा अर्थ सिंपल डायग्राम बना दिया है, क्रस्ट मेंटल और कोर। तो सबसे पहले क्रस्ट का थिकनेस बात करते हैं 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर में 11 किलोमीटर हमारा स्याब और 22 किलोमीटर में सीमा। ये बात का ध्यान रखना है कि स्याब जो होता है वो सरफेस से लेकर के 11 किलोमीटर तक होता है और सीमा जो होता है वो कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी से लेकर के मेंटल में डिस्कंटिन्यूटी यानी कि मोर ऑफिसियल डिस्कंटिन्यूटी तक। सीमा का डेफिनेशन होगा डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी टू मोर ऑफिसियल डिस्कंटिन्यूटी हैविंग अ थिकनेस ऑफ अबाउट 22 किलोमीटर। उसके बाद मेंटल आ गया, तो मेंटल का टोटल थिकनेस है 2900 किलोमीटर। मेंटल के बारे में यहाँ पर कुछ, मेंटल के अंदर का डिस्कंटिन्यूटी डिफरेंट टाइप्स का है, डेंसिटी ब्रेक, ग्रेविटी ब्रेक, रैपिड डिस्कंटिन्यूटी और ग्रेविटी ब्रेक, ठीक है। डेंसिटी ब्रेक, डेंसिटी जो ब्रेक, डेंसिटी ब्रेक जो हमारा है उसमें क्या हम लोग सबसे पहले डेंसिटी ब्रेक ओवर करता है, तो डेंसिटी ब्रेक में क्या डिस्टिंग्विश किया गया है, क्या चीज का चेंजेस आता है, ऑब्वियसली डेंसिटी का चेंजेस आता है। ऐसा प्रतीत हुआ है कि 80 किलोमीटर डेप्थ पर जाने पर डेंसिटी बहुत ज्यादा घट जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस लाइन ऑफ सेपरेशन को हम लोग डेंसिटी ब्रेक बोलते हैं। उसके बाद है हमारा ग्रेविटी ब्रेक। ग्रेविटी ब्रेक में मेनली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत एब्रप्टली चेंज कर जाता है, इसीलिए उस डिस्कंटिन्यूटी को हम लोग ग्रेविटी ब्रेक बोलते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है मेंटल में। उसके बाद है रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। रैपिड डिस्कंटिन्यूटी किसका चेंज आता है, सिस्मिक वाइब्रेशन का। एक ऐसा लाइन ऑफ सेपरेशन होता है जहां पे कि एक लाइन ऑफ सेपरेशन एग्जिस्ट करता है विद इन द मेंटल, मेंटल के अंदर लाइन ऑफ सेपरेशन एग्जिस्ट करता है जहां पे कि क्या होगा कि हमारा सिस्मिक वाइब्रेशन जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। तो उस लाइन ऑफ सेपरेशन, उस डिस्कंटिन्यूटी को हम लोग रैपिड डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्कंटिन्यूटी रिलेटेड विद द मेंटल। अब कोर में आते हैं, तो कोर का टोटल थिकनेस जो है वो 3438 किलोमीटर है, 3438 किलोमीटर कोर का टोटल थिकनेस। कोर के तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर, मिडिल कोर और इनर कोर, ठीक है। जिसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एज कोर के बारे में, तो वी नो दैट द टेम्परेचर विद इन द कोर इज एट द हाइएस्ट पॉइंट, so whatever minerals is being existing in this core is in the form of molten state. सारा मिनरल जो भी मिलेगा वो लिक्विड स्टेट या फिर molten state के फॉर्म में होगा। तो इसी तरह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंक्लूड करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 इंजीनियरिंग जियोलॉजी का कंप्लीट होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए दूसरे वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब